अस्सलाम वालेकुम। जब हम किसी को कहते हैं कि उसे टीबी है तो अमूमन इसका मतलब पल्मोनरी यानी फेफड़ों की टीबी लिया जाता है, लेकिन टीबी दिमाग को भी मुतासिर कर सकती है, जिसे टीबी मैनिंजाइटिस या दिमागी टीबी कहा जाता है। हम अपनी इस वीडियो में दिमागी टीबी से मुतालिक कुछ पहलुओं का जायज़ा लेंगे, मसलन दिमागी टीबी क्या है, कैसे होती है और कौन लोग इससे मुतासिर होते हैं, इसकी अलामत क्या है, इसकी तशखीस कैसे की जाती है और इसका इलाज क्या है। आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर इसे बरवक्त सही इलाज ना किया जाए तो किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन, टीबी की बीमारी को गरीब लोगों की बीमारी समझा जाता है, क्योंकि दुनिया में जो ममालिक तरक्की कर चुके हैं उन्होंने इस पर तकरीबन काबू पा लिया है, लेकिन तरक्की पजीर और निस्बतन कम आमदनी वाले ममालिक जैसे पाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया और अफ्रीका के कुछ ममालिक वगैरह में ये बीमारी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गुर्बत के बाइस लोगों की सेहत अच्छी नहीं होती, ये ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होते हैं, छोटे और तंग घरों के बाइस उनके आसपास की फ़िज़ा साफ नहीं होती। ये तमाम अवामिल टीबी के मर्ज़ के लिए और उसके फैलने के लिए बहुत आइडियल सूरत हाल के तौर पर देखे जाते हैं। गुर्बत के अलावा भी कुछ और अवामिल हैं, मसलन अगर आपके जिस्म का दिफाई निज़ाम जिसे इम्यून सिस्टम कहते हैं अगर वो कमज़ोर हो जाए, जैसे कि वो लोग जो स्टीरॉयड्स की या कैंसर को कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ लेते हैं ज़्यादा अरसे तक, या HIV एड्स की बीमारी जिनको होगी, तो उन लोगों को भी टीबी का मर्ज होने का ख़तरा हो सकता है। टीबी का जरासीम नाजरीन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस सांस के ज़रिए फेफड़ों में जाता है और फिर वहाँ से ये खून में और खून में चलता चलता ये दिमाग तक पहुँचता है। दिमागी टीबी के बारे में एक ज़रूरी बात समझ लीजिए, वो ये कि ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता अपना असर दिखाती है, इसलिए इस बीमारी के मरीज़ हमारे पास कुछ देर ही से पहुंचते हैं। जहां तक अलामात का ताल्लुक है तो अलामात की बुनियाद पर दिमागी टीबी को 3 स्टेजेस में तकसीम किया गया है। स्टेज 1 पर मरीज़ बज़ाहिर बिल्कुल ठीक ठाक नज़र आता है, सिवाय इसके कि वो हल्के हल्के सर दर्द की शिकायत कर सकता है, उसे भूख की कमी और थकावट या हल्का बुखार हो सकता है। स्टेज 1 जो है 4 से 6 हफ्ते तक रह सकता है, और बहुत कम मरीज़ ऐसे होते हैं जो कि इस स्टेज पर किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से राबता करते हों या उनकी डायग्नोसिस होती हो। स्टेज 2 में मरीज़ को गर्दन तोड़ बुखार की अलामत ज़ाहिर होती हैं, जिसमें बुखार हल्का हल्का, इसके अलावा गर्दन में दर्द और खिंचाव, खुसूसन जब गर्दन को आगे और नीचे की तरफ झुकाया जाए, और इसके अलावा सर दर्द। इस स्टेज में मरीज़ को कन्फ्यूजन भी हो सकती है, जिसे जब आप बात करें तो उसको समझ में नहीं आती, या उसे दो भी नज़र आ सकते हैं। नाज़रीन, ज़्यादातर मरीज़ हमारे पास इसी स्टेज में आते हैं या उन्हें हमारे पास रेफ़र किया जाता है, जबकि स्टेज 3 जो है वो दिमागी टीबी की शदीद हालत है, जिसमें मरीज़ को गुनूदगी होने लगती है, उसे मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं, कुछ मरीज़ों को फॉलिश भी हो जाता है, और अगर इस मरहले पर मरीज़ को डायग्नोज ना किया जाए या उसे सही दवाई ना दी जाए तो मरीज़ कोमा में भी जा सकता है। यहाँ मैं ये बात आपको बताता चलूँ कि मरीज़ कोमा में इसलिए जाता है कि उसके दिमाग का प्रेशर बढ़ जाता है, और ज़्यादातर मरीज़ों में ये प्रेशर हाइड्रोसेफलस की वजह से बढ़ता है। हाइड्रोसेफलस कहते हैं कि दिमाग के अंदर पानी का ज़्यादा इकट्ठा हो जाना। ये आप अपने सामने जो 2 तस्वीरें देख रहे हैं दिमाग के फ़ोटो की, उसमें आप देखें कि एक के अंदर नॉर्मल तस्वीर है जिसमें दिमाग के खाने छोटे छोटे हैं, जबकि उसके मुकाबले में जिसको हाइड्रोसेफलस हो चुका है टीबी के मरीज़ को, उसमें दिमाग का खाने बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। अब बात करते हैं कि दिमाग की टीबी को डायग्नोस कैसे किया जाता है। देखिए, बीमारियों को अमूमन उनकी अलामत से पहचाना जाता है, लेकिन टीबी मैनिंजाइटिस यानी दिमागी टीबी को आप अलामत से नहीं पहचान सकते। आप मरीज़ को देखकर मुआयना करके ये तो बता सकते हैं कि इसको दिमाग की कोई बीमारी हो सकती है, लेकिन यकीन के साथ नहीं कह सकते कि इसे दिमागी टीबी है। इसके लिए आपको टेस्टों पर इन्हिसार करना होता है। इस ज़िमन में 2 टेस्ट करवाए जाते हैं, एक तो वो जो कि हम लंबर पंक्चर यानी कमर से पानी निकाल के टेस्ट करते हैं,
और दूसरा दिमाग का फोटो जिसमें सीटी ब्रेन या एमआरआई ब्रेन करवाया जाता है। कमर के पानी में नाज़रीन हम तीन चीज़ें देखते हैं, एक तो कमर के पानी की डिटेल्ड रिपोर्ट, और ये तकरीबन वैसी ही होती है जैसे हमने गर्दन पोट बुखार जिसको मैंने बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में आपको बताया, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होता है। वो फ़र्क डॉक्टर हजरात इस नज़र आने वाले चार्ट में देख सकते हैं। इसमें कमर के पानी में जो दूसरा टेस्ट देखते हैं वो है टीबी के लिए जीन एक्सपर्ट। ये मॉलिकुलर टेस्ट होता है जो न सिर्फ डायग्नोसिस में मदद करता है बल्कि टीबी की एक दवाई राइफेम्पिसिन है वो दवाई मौसर है कि नहीं उसके बारे में भी बताता है। और इस टेस्ट की ख़ास बात यह है कि इसका रिज़ल्ट एक से दो दिन में आ जाता है। कमर के पानी का जो तीसरा टेस्ट है वो है AFB स्मेयर एंड कल्चर। ये टेस्ट से हमें 100% कन्फर्मेशन हो जाती है कि टीबी का जरासीम यहाँ पर है, लेकिन इस टेस्ट की इफादियत जो है वो कम हो जाती है क्योंकि उसका रिज़ल्ट आते आते 6 से 8 हफ्ते लग जाते हैं। और अब जहाँ तक दिमाग के फोटो का ताल्लुक है तो हमें MRI ब्रेन विद कंट्रास्ट में जो तस्वीर आपके सामने है इसमें 1, 2 या 3 किस्म की तब्दीलियाँ नज़र आती हैं। और MRI ब्रेन में जो हमें फाइंडिंग नज़र आती है उसमें एक फाइंडिंग है जिसे हम बेजल मेनिंजियल एनहेंसमेंट कहते हैं, जबकि दूसरी फाइंडिंग है जिसको हाइड्रोसेफलस कहते हैं जिसमें दिमाग में पानी इकट्ठा हो जाता है, और तीसरी फाइंडिंग है जिसमें ट्यूबरक्यूलोमास कहते हैं, ये चमकते तारों की तरह नज़र आते हैं। डॉक्टर हजरात के लिए मैं एक पॉइंट यहाँ पर ज़रूर ऐड करूँगा, वो ये कि MRI ब्रेन विद कंट्रास्ट बाज़ औक़ात नॉर्मल भी आ सकता है, इसलिए नॉर्मल MRI की मौजूदगी में आप ये नहीं कह सकते कि मरीज़ को दिमाग की टीबी नहीं है। उस वक्त आपको CSF यानी कमर के पानी पर तकिया करना पड़ेगा। नाज़रीन, इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अपनी अगली वीडियो में दिमागी टीबी के इलाज और इलाज से जुड़े मसाइल और हिदायत के बारे में बात करेंगे। आप अपना, अपने प्यारों और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।